Good morning, guys. Now, today, our second day in Delhi. We are ready to go outside. रात को पापा की तबीयत खराब हो गई थी because of food. Really say daily food is not a good for us. That's why we decided कि हम फिर से आज के लिए गाड़ी बुक करेंगे. तो हम रेडी होकर पहाड़गंज के रोड में पहुंच गए हैं और हम सब वेट कर रहे हैं गाड़ी का. ड्राइवर को फ़ोन लगाने पर ड्राइवर भैया कह रहे हैं कि हम जाम में फंस गए हैं. हम गाड़ी बुकिंग कर लिए हैं इसलिए हम दूसरी गाड़ी में भी जा नहीं पा रहे और हमारा समय भी बर्बाद हो रहा है. फाइनली 12 बजे हमारी गाड़ी आ गई है. हम सब बैठ गए हैं और जा रहे हैं. हमने बोला कि आप हमारे लिए फिर से मीटर चालू कर दो. उनके 8:80 का रूल समझ में आया जो है कि 80 का रूल बहुत ही खतरनाक है. जो रूल है 8 घंटे पूरे हो जाएं या फिर 80 किलोमीटर चल जाए, दोनों में से कोई एक भी पूरा हो जाता है तो आपकी गाड़ी का ड्यूरेशन ख़त्म हो जाता है. यदि आप इससे ज़्यादा समय लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ेगा. अभी हम बैठे ही हैं और हमारे 17 किलोमीटर हो गए और 2 घंटे भी पूरे हो गए. तो इसी पे बहस हो गई जो हमको बाद में यह है रियलाइज़ हुआ कि इनका जो रूल है जो बहुत ही ख़तरनाक है. इसलिए फिर हमने गाड़ी से उतर गए. पता नहीं हमने कौन से सुनसान जगह पे उतर गए. इसके बाद हमें पापा ने बहुत डांटा कि ऐसे इंसान से बुक नहीं करवाना था. इस सुनसान जगह पे हमें एक ऑटो दिखाई दी. हम इस ऑटो पे बैठ गए और ऑटो वाले से कहा कि हमें नियर बाय कोई भी मेट्रो स्टेशन छोड़ दो. नसीब तो देखो, जो हमें ऑटो ड्राइवर मिला उसे भी नहीं पता कि नियर बाय मेट्रो स्टेशन कहाँ है. फाइनली हमने गूगल मैप लगाकर हम नियर बाय मेट्रो स्टेशन पहुँच गए. यहाँ से हम मेट्रो में फिर बैठ गए. उसके बाद हमें थोड़ा सुकून लगा. कुछ नहीं तो चलो हम मेट्रो में ही बैठकर इस दिल्ली का नज़ारा देख लेते हैं. 45 मिनट तक मेट्रो की यात्रा करके हम कुतुब मीनार पहुँच गए. और ये क्या इतनी लंबी लाइन टिकट की. यह मेरा भाई, लगभग 1 घंटे बाद हमें टिकट मिली है. लगता है आज का दिन सफल हुआ. आजा।